गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ये दूसरा ब्लॉग मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये शाम की चाय मैं बना रही हूँ, मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बाहर, क्योंकि कल मैंने कपड़ा अपना नहीं खरीदा था, तो इसलिए आज देखते हैं निकलते हैं क्या होता है, क्या नहीं, कुछ मिलता है कि नहीं। और बाकी होली के लिए भी कुछ किराना चीज़ें लेनी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे याद आता है वो खरीदूँगी। तो बस चलिए चलते हैं और बने रहिए इस ब्लॉग। जाने के लिए और एक ड्रेस है जिसको मुझे फिटिंग करवाना था, तो मैंने उसे भी ले लिया है। आई डोंट नो कि शॉप खुला है कि नहीं, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो देखते हैं। मैं ले लेती हूँ, बाय द वे बाहर जा ही रही हूँ तो रख लेती हूँ, और क्या है ना। और तो बस निकलती हूँ मैं, देखती हूँ। मैंने ये भी ले लिया है और ये मैंने पहना है जीन्स, ये एकदम लूज सा ऊपर का टॉप, ये श्रग। और अभी निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, 7 बज चुका है। तो मैं मिलती हूँ आपसे वहाँ जाने के बाद, लाइट की थोड़े मैं मिलती हूँ आपसे जाने के बाद, देखती हूँ कुछ ले पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत रात हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि होलिका दहन कल है और ये ब्लॉग मैं आज शूट कर रही हूँ, तो चलिए चलते हैं फटाफट से बिना बकबक बकबक किए। आ गई हूँ मैं V2, देखती हूँ कोई ड्रेस मिल रहा है कि नहीं, मिलेगा तो भी ठीक, नहीं तो कुछ पहन लिया जाएगा और क्या है। इतनी भीड़ है और अंदर सभी लोग आज ही आए हैं क्या कपड़ा खरीदने। मैं आगे आगे आ गई हूँ, पता नहीं बेटा अभी कहाँ रह गया, पीछे रह गया, आ जाने देते हैं पहले, वेट कर लेते हैं है ना, नहीं तो मैं आगे निकल जाएंगे फिर वो लोग आके ढूंढेंगे, तो वेट ही कर लेते हैं, साथ में जाएंगे अभी। पता नहीं होली पे पहने में कि नहीं, बैठा मैंने ले लिया, ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया मैंने, हल्का फुल्का लिया होली के लिए, देखते हैं कब वेयर करती हूँ, वेयर करूँगी तो बताऊँगी। अभी मैं आई हुई हूँ किराना दुकान कुछ सामान लेने के लिए, कितना अच्छा सजा के रखा रहता है, तो मैंने सामान लिखवा दिया है, बस पैकिंग हो रही है, हम लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और क्या मार्केट आप देख सकते हैं कि सजी हुई है होली की वजह से, पूरा दुकान पे अभी रंग गुलाल पिचकारी सब लगा हुआ है, मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है ना मार्केट में निकलते ही। और आधा पटना खाली हो चुका है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम था आज, क्योंकि सभी पहुंच गए हैं अपने गांव अपने घर। ओबियसली यार, फेस्टिवल ऐसी चीज़ ही है कि घर वालों के साथ मनाने में अच्छा लगता है, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। और हम लोग तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सारे फेस्टिवल उन्हीं के साथ मनाना पसंद करते हैं, तो बस इसलिए पटना ज़्यादातर खाली हो चुका है और मज़ा आ रहा है। बाहर निकलते ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है मार्केट में, तो बस हम लोग भी अपना सामान जो जो लेना था ले लिए हैं, अब सामान बस पैक हो रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और क्या, शॉपिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, कल है होलिका दहन, उसके बाद परसों होली, तो बने रहिए इस ब्लॉग में, देखते हैं ब्लॉग कब तक जाएगा। आई थिंक थोड़ा लेट ब्लॉग जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है इसकी वजह से, तो सॉरी, मैं पहले से ही सॉरी बोल दे रही हूँ, और क्या बोलूँ, बने रहिए ब्लॉग में। अभी मैं आई हूँ यहाँ से बिस्किट ले जाने। न्यू मार्केट में आपको एक लाइन में बिस्किट की बहुत सारी दुकानें मिलेगी और वैरायटी ऑफ बिस्किट यहाँ से मिलती है। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह हो चुकी है और आज मैंने नाश्ते में बनाया है कटहल आलू दम और फुलके, तो बस अभी नाश्ता करने का टाइम हो चुका है, तो मैं फटाफट से नाश्ता दे देती हूँ। और उसके बाद आज होलिका दहन है, तो आप सबको होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और होलिका दहन के दिन मैं
शाम को हम लोग के यहाँ कढ़ी चावल बनता है, पकौड़ा वगैरह बनता है, तो मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट रात में ही खाऊँगी, तो मैं पूरा दिन स्किप करने वाली हूँ खाना। तो मैंने सब्जी रोटी बना दिया है बच्चे के लिए, बेटे के लिए और अभी के लिए। मैं फटाफट से उन लोगों को नाश्ता दे देती हूँ। कल जो मैंने चीज़ खरीदा है सारा होली का, वो सारा भी मुझे सेट करना है, अभी मैंने सेट नहीं किया है, तो मैं पूरे दिन उसमें लगने वाली हूँ। तो देखते हैं पूरा दिन कैसे बीतता है, बने रहिए ब्लॉग में। और क्या बोलूँ, लो भाई नाश्ता दे दिया जाए, और क्या है ना, नाश्ता दे। अभी बन रहा है शाम का चाय, अभी आए हैं तो पहले उसको बना दूँ, मैं दे दूँ। और अभी मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी, आज होलिका दहन है तो आज हमारे यहाँ बनेगा पकौड़ा। तो मैंने यहाँ पे प्याज काट के रख दिया है, यहाँ पे आलू काट दिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैटर। फटाफट से पहले आलू फ्राई करेंगे, देन प्याज का पकौड़ा, फिर कढ़ी एंड राइस। मैंने कढ़ाई भी यहाँ बैठा दी है, यहाँ पे आलू अच्छे से फेंट लिया है, चलिए डालते हैं अच्छे से हो जाए। मेरा आलू का पकौड़ा जो है वो बन के ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, एकदम लाल लाल कुरकुरे। मैंने पूछा कि अभी दूध में चाय के साथ, तो उन्होंने बोला नहीं, एक ही बार खाना के साथ खाएंगे। मैंने बोला ठीक है, और क्या कर सकते हैं। मैं अब प्याज के पकौड़े तल लेती हूँ फटाफट से, है ना। प्याज का बैटर बन गया, बहुत अच्छा आ रहा है ना कलर, चलिए फटाफट से फ्राई कर लें। पकौड़ा भी ऑलमोस्ट रेडी है मेरा, और मैंने यहाँ पे राइस बैठा दिया है। पकौड़ा हो जाने के बाद मैं इसी में कढ़ी बना दूंगी, तो बस हमारे खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे, है ना। फटाफट से इसको भी कर लेते हैं, और क्या, पकौड़ा मेरा रेडी है और कढ़ी भी रेडी ही है, बस मैं कड़ा रही हूँ इसको। बन गया है गाइस, अभी मिल रही हूँ मैं आपसे, खाना पूरा बन चुका है, अभी जाके रिलैक्स हुआ है मन। अभी मुझे कल के लिए एक और काम करना है, मुझे अभी सूजी भिगोना है पुआ के लिए, वो मैं बाद में करूँगी। अभी मैं हाफ इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ उतर रही थी, तो फिलहाल अभी रिलैक्स, अभी एक घंटे टीवी देखेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। तो चलिए चलते हैं भाई, पहले जब बैठते उठते हैं उसके बाद खाना पीना खाया जाएगा, है ना। चलिए खाना पीना हो गया, मैंने यहाँ पे सूजी फूलने के लिए रख दिया है, और इसको अब ढक देते हैं कल सुबह के काम के लिए। पूरा किचन वगैरह मैंने अच्छे से साफ सुथरा कर दिया है ताकि कल कोई हड़बड़ी ना हो। और बस खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खा लिए हम लोग। अब कुछ देर के बाद होलिका दहन होने वाला है, घर से दूर पे होता है इसलिए जाना पॉसिबल नहीं होता है, हो पाता है ऑब्वियसली। तो बस ऐसा रहा कुछ आज का दिन, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। और अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से ब्लॉग आप लोगों के लिए लाती रहूँ। और फिलहाल कल होली का भी ब्लॉग मैं बनाऊँगी, एक साल हो जाएंगे मुझे होली के दिन ब्लॉग बनाऊँगी दोबारा। मैंने पिछली बार होली के दिन ही ब्लॉग स्टार्ट किया था, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आप लोगों के प्यार की। अभी तो बस मैंने सफ़र तय ही किया है, मंजिल भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो ज़्यादा ना पकाते हुए मैं इस ब्लॉग को हैंड करती हूँ, मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।